एक बार एक जोकर एक सभा में बहुत सुंदर हास्य कुछ चुटकुले उसने सुनाए। जैसे उसने चुटकुला सुनाया, सारी सभा जोरदार ताली बजाकर ठहाके मारके हंसी। जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। जब दोबारा सुनाया तो हंसना भी थोड़ा कम हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट भी बहुत कम हुई। उसी चुटकुले को उसने तीसरी बार फिर से सुनाया। अब तो तालियां बिल्कुल भी नहीं बजी और बिल्कुल मुस्कुराना ही बंद हुआ। इसको देख उस जोकर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, जब हम एक खुशी की बात पर बार बार मुस्कुरा नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते, तो एक दुख या गम के बात पर हम बार बार रोते क्यों हैं? है ना? हाँ, रोते क्यों हैं? प्रश्न है मेरा सभी से। आज हमारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारी दीदी जी पर्वतीय स्थान से हमारे बीच में आई है। विशेष 20 वर्षों से अपने जीवन को संपूर्ण रूप से इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर आप विशेष राज्यों की शिक्षा विशेष अपने जीवन के द्वारा माध्यम से दिखाती हैं। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की। आप ब्रह्मा कुमारी की मासिक हिंदी पत्रिका ज्ञानामृत की संयुक्त संपादिका हैं। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों में जैसे भारत एकता युगल, युवा साइकिल यात्रा, शिव संदेश रथ यात्रा, महिला सशक्तिकरण, मूल्यनिष्ठ मीडिया आदि अनेक ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान प्रदान किया है। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं और आपके अनेक लेख समाज के विभिन्न विषयों से जुड़े हुए, विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े हुए, विभिन्न वर्गों के लिए आपके अनेक लेख पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, स्वप्रबंधन, नेतृत्व, अनेक विषयों पर आपने कई स्थानों पे स्टील प्लांट, यूनिवर्सिटी, लिबर्टी, शूज, कोल माइंस, वैज्ञानिक शोध संस्थान, अनेक कॉलेजों आदि स्थानों पर आपने अपने बहुत प्रवचन ऐसे अनेक विषयों पर देकर अनेकों को लाभान्वित किया है। हम दीदी को तो कई वर्षों से देखते हैं। आपका जीवन बहुत सादगी संपन्न और श्रेष्ठता से संपन्न है और दीदी जी के लिए मैं दो शब्द कहते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी कि प्रीति को पावन बनाना आपसे सीखे कोई, जीवन को दिव्य गुणों से सजाना आपसे सीखे कोई, आपके आध्यात्मिक जीवन का हर लम्हा ये कह गया, आपके आध्यात्मिक जीवन का हर लम्हा ये कह गया कि दूर की मंजिल को पाना आपसे सीखे कोई, आपसे सीखे कोई। हमें हमारे जीवन की लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें? आज तनाव युक्त जीवन है संसार में, इस संसार में इसे तो कहते ही हैं तनाव की सदी। हाँ, और हम सब उससे कम करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं, तो दीदी जी इस विषय पर हमें बहुत गहराई से स्पष्टीकरण देंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान भाइयों और बहनों, तनाव मुक्ति और शांति अनुभूति शिविर के इस प्रथम सत्र में
परम पिता परमात्मा की ओर से आप सभी आत्मा रूपी भाई बहनों का मर्मोद्धारित हार्दिक स्वागत। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू कर रही हूँ, आप सब उसे ध्यान से सुनेंगे। इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि बाद में आपसे सवाल पूछूंगी। एक बार एक सांप जो प्रतिदिन अपने ऑफिस में 10 बजे पहुंचते हैं, उनके बॉस आए और उन्होंने कहा कि कल आप 9:45 बजे ऑफिस में आ सकते हो, अपन एक 15 मिनट की छोटी सी मीटिंग करेंगे और कुछ कागज दिए, इन पे घर से वर्क करके ले आना। उसने कहा 15 मिनट पहले आना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं आ जाऊंगी। तो उस शाम को थोड़े जल्दी सोए, सुबह थोड़े जल्दी उठे, नहा धो के 15-20 मिनट पहले तैयार होके नाश्ते की टेबल पे आके बैठ गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ना उनके मन में कोई टेंशन था, ना कोई जल्दबाजी थी, अभी तक की प्रक्रिया बहुत आराम से चल रही थी। जब वो नाश्ते की टेबल पे जाके बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि उनका अपना 8 साल का बेटा भी टेबल पे बैठा है, चाय पी रहा। डैडी बाजू की कुर्सी पे जाके बैठ गए और जैसे ही डैडी जाके बैठे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक बच्चे का हाथ हिला और चाय डैडी के कीमती सूट पे गिर गई। अब जैसे चाय गिरी डैडी को गुस्सा आ गया। डैडी ने कहा, अरे बेटा तू इतना बड़ा हो गया, तुझे प्याला पकड़ना नहीं आता, अभी तक तू जिंदगी में क्या करेगा, देख तूने मेरा कितना कीमती सूट खराब कर दिया, तेरे को पता नहीं आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, तुम भी हमेशा काम बिगाड़ने में ही लगे रहते हो, काम संवारने कब सीखोगे। और डैडी ने सुबह सुबह ऐसे सख्त शब्द बोले तो बच्चा उदास हुआ, फिर रोया। और डैडी ने सोचा, ये तो जो कर रहा है करने दो, मैं अपने कपड़े बदल के आऊं, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। तो डैडी गए, सूट बदला, 10-15 मिनट लग गए, वापस लौटे, देखा बच्चा सुबक रहा है, सुबकते हुए बच्चे को छोड़ के कैसे नाश्ता करें, कैसे चाय पिए, बच्चे को मनाने लग गए, बेटा अगली संडे नए जूते दिलवाऊंगा, पिस्टल बड़ी वाली दिलवाऊंगा और बोटिंग करवाऊंगा झील में, अभी तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आ गई होगी, चलो उनको छोड़ के आऊँ। अपने रुमाल से बच्चे के आंसू पोंछे, उनका हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में बैग पकड़ा, तेज 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 दौड़ते मेन रोड पे गए और देखा 2 मिनट पहले बस निकल गई। अब बस निकल गई, बच्चा और ज्यादा उदास हो गया, मेरी बस भी निकल गई। डैडी ने सोचा इसकी तो चलो बस निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने सांप के सामने टाइम पे पहुंचूंगा। तो डैडी ने हाथ पकड़ा, खींचा और तेज गति से घर की ओर दौड़े। तो एक स्कूटर वाला भी तेज गति से आ रहा था, थोड़ी सी टक्कर हुई, ज्यादा नहीं, जरा सी हाथ को खरोंच लगी, डॉक्टर के पास गए, पट्टी बंधवाई। फिर घर आए, सोचा चाय वाय को छोड़ो, अभी तो जल्दी ऑफिस पहुंचना, अपना स्कूटर निकाला, टिक लगाई, क्योंकि 5 रेड लाइट्स आती थी रास्ते में, और बहुत तेज गति से स्कूटर चलाया तो भी पहुंचने में 10:15 हो। अब साफ सामने खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे भाई तुमने कहा था मैं 9:45 आराम से पहुंच जाऊंगा, तो 10:15 हो गए, अच्छा चलो कागज तो दो जो मैंने कल वर्क के लिए दिए। अब वो कभी पॉकेट ढूंढते हैं, कभी स्कूटर की डिक्की ढूंढते हैं, लेकिन कागज नहीं मिल रहे।
बैठे और मन में सोचने लगे, हे भगवान आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अब कोई बिनाई बात गुस्सा करेगा तो उसे कोई घर में रखेगा क्या? उसे तो लोग आगरा भेज देंगे। यू नो आगरा में क्या है? कोई बिनाई बात गुस्सा करता है क्या? कोई बात होती है तब गुस्सा आता है, लेकिन बात होने पर हमने गुस्सा किया तो कौन सी करामात कर दी या बिगड़ी बात को संवार दिया? वो जो चाय गिरी थी वो अपने आप उछल पे कप में चली गई क्या हमारे गुस्सा करने से? या डैडी का सूट गंदा हुआ था वो एकदम साफ हो गया क्या गुस्सा करने से? गुस्सा एक ऐसी एक्सपायरी वाली दवाई है। पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम कोई चिंता नहीं करना, सिर्फ पढ़ो। ठीक है, बच्चा मन लगा के पढ़ता, हमने उसको अलग कमरा दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है, बाइक दे रखी है और उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है और बच्चा भी बड़ा ब्रिलियंट है, मन लगा के पढ़ रहा है, टेंथ में टॉपर, ट्वेल्थ में टॉपर, उसके बाद MBA ज्वाइन किया और MBA में अभी पढ़ाई कर रहा है, उसकी प्लेसमेंट हो गई। इतनी खुशी की बात, पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारे बच्चे की कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट हो गई और बच्चा भी खूब आगे बढ़ने की लगन में है। हमने बच्चे को क्या सिखाया बेटा? अपने नोट्स कभी किसी को दिखाना मत, नहीं तो दूसरे टॉपर हो जाएंगे। देखो तुम अकेले दौड़ो, अकेले चलो, तुमको टॉप पे पहुंचना है। अब बच्चे की प्लेसमेंट हो गई और बच्चा एक बड़ी फेमस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया, महाप्रबंधक, बहुत बड़ी पोस्ट कही। पैकेज है उसका लगभग 24 लाख का। माता पिता ने लड्डू बांटे, हमारा बेटा कितना ब्रिलियंट। अब बच्चा पहले दिन ऑफिस में गया, उसने देखा उसके नीचे सोर्स बोर्डिनेट है, एक देरी से आता है, दूसरा काम चोर है, तीसरा लेग पुलिंग करता है, टांग खींचने का काम, चौथा ग्रुपिंग कर रहा है। ये छोटा सा मैनेजर, इसको कुछ नहीं आता, इसको इतनी बड़ी पोस्ट क्यों दे दी? मैं पुराना था, मुझे दी जानी चाहिए। अब ये देखता है कि मुझे इन 100 लोगों को साथ लेके चलना है तो कंपनी प्रोग्रेस करेगी, लेकिन इसे साथ लेके चलने का तो अनुभव नहीं, घर में तो कोई भाई बहन नहीं था जिनको साथ लेके चले, स्कूल में कॉलेज में कभी शेयरिंग नहीं की, अकेला हो रहा। अब साथ लेके कैसे चलूं, इन्हें कैसे मनाऊं, कैसे राजी करूं? बड़ा उदास है, चिंतित है, घर में आके उदास बैठ जाता है। माँ पूछती है बेटा क्या हुआ? तेरी सैलरी ठीक नहीं है, तेरा बॉस ठीक नहीं है, तेरा काम ठीक नहीं है, वो ऐसे गुमसुम क्यों है? अब बच्चा सोचता है माँ ऑफिस की बातों को क्या समझेगी, क्यों बताने? कुछ नहीं बताता तो माँ क्या सोचती है, अब लड़का बड़ा हो गया है। और देखो बड़े बच्चे को एक दोस्त मिल जाए ना बराबर का, तो बच्चा उससे शेयरिंग करेगा और हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, अब गंगा नहाएंगे, तीर्थ करेंगे। तो ये ढूंढने लगती है लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, जिसे मैं अपने बच्चे की पार्टनर बनाऊं। और इसे एक बहुत पढ़ी लिखी इकलौती बेटी मिल जाती है। आजकल तो बेटे भी इकलौते हैं, बेटियां भी इकलौती होती। अब ये बहू बना के उस लड़की को ले आती है। अब लड़की इकलौती बड़े लाड़ प्यार में पली, पेरेंट्स ने उसे भी बहुत फ्रीडम दी है, उसको कार दे रखी थी, कंप्यूटर दे रखा था, अलग कमरा दे रखा था, हर चीज उसकी पसंद की आती थी।
उसे अपने कमरे के पर्दे पसंद के चाहिए, कपड़े पसंद के, भोजन पसंद का, सब कुछ। और किसी ने उसको कभी टोका नहीं, कभी रात को खाती थी, दिन में सोती थी, कभी दिन में जागती थी, कुछ भी करती थी। अभी बहू बन के आ गई, लड़का ऑफिस गया, लौटा तो देखा एक मूड खराब करके बैठी। पूछता है क्या हुआ, कहती देखो ये जो कर्टन है ना, इनका कलर येलो है, मुझे येलो कलर बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को ग्रीन कलर चाहिए। जब तक आप ग्रीन कलर के नहीं लाएंगे ना, मैं इस कमरे में नहीं जी, अभी अभी ग्रीन कलर के कर्टन चाहिए। अब ये तो टेंशन से भरा आया था ऑफिस, सोचा था घर में जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन घर में आते ही एक अकेली सो जैसी है, अभी कहाँ जाए। और पेरेंट्स को गंगा नहा ली, बेटा तू जाने, तेरी गृहस्थी जाने, पढ़ा दिया, नौकरी लगा दिया, हमारी ड्यूटी पूरी। अब इसके एक दोस्त का फोन आता है, अरे भाई क्या हाल है, फिर गुमसुम है, वीडियो कॉल है, मुंह देखता है इसका, कहता है थोड़ा मुंह बना के बैठा है, क्या हुआ, तेरी इतनी अच्छी नौकरी फिर क्यों मुंह बना के बैठा है। उसने बोलता है, कहता अच्छा मैं तेरे को जन्नत के दर्शन कराता हूँ, तुम हंसना सीख जाएगा, आजा मेरे साथ। उसको ले जाता है पकड़ के, और आपको पता है ना आधुनिक जन्नत कहाँ होती मालूम है ना, आधुनिक जन्नत। ले जाता है एक लाल पानी की दुकान पे, उसे लाल पानी पिला देता है। अब तनाव के कारण बच्चे की मानसिक स्थिति तो डावाडोल थी, और ये लाल पानी पी करके फेफड़े गलने चालू होते हैं, शारीरिक स्थिति भी डावाडोल होनी शुरू होती है। और 30 साल की आयु में इस बच्चे को पहला अटैक आता है, क्योंकि ये शराब को अपनी सहचरी बनाता है, सोचता है शराब पीऊंगा तो तनाव दूर हो जाएगा। शराब पी के तनाव दूर होता है क्या? 33 में दूसरा अटैक और 36 में तीसरा अटैक और राम नाम सत्य होंगे। इतना ब्रिलियंट बच्चा, आज आप देख रही है ना, आजकल एक मामला उछल रहा है अखबारों में, सुप्रीम कोर्ट की एक लड़की ने गला घोट के हत्या की अपने हस्बैंड की, वो भी शराब पीता था। ये छोटे छोटे लोग शराब पीने क्यों लगते हैं? अभी अभी शादी हुई थी एक साल पहले। और टेंशन का इलाज वो शराब में ढूंढते हैं जो अधिक तनाव देने वाली है। तो ये सब क्यों हुआ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आधुनिक युग में भौतिक विकास हुआ है, लेकिन केवल भौतिक विकास के सहारे सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पूरा नहीं होता। भौतिक विकास हमारा एक पांव है, आप एक पांव के सहारे कितनी दुनिया तय कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पांव ऊपर बांध लिया और एक पांव से आप चलने लगे, तो क्या 10 कदम चलते ही हाँफ नहीं जाए? अगर आपको माइल्स की दूरी तय करनी है तो दोनों पांव चाहिए। जब आप चलते हैं तो इस पांव पे भार आया और ये पांव ऊपर उठ गया, रिलैक्स हो गया, फिर आपने इस पांव को रखा, इस पे भार आया और ये रिलैक्स हो गया, और इस तरह से आप माइल्स तक चलते हैं तो कल नहीं। स्ट्रेस फ्री लिविंग मींस तनाव मुक्त जीवन का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग, और ये जो शरीर है, ये कपड़ा है, ये आवरण है, इसको धारण करने वाली मैं एक आध्यात्मिक सत्ता हूँ। दूसरी बात ये जानिए कि आप अपने विचारों के रचनाकार। कई बार हमें लगता है मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहा है, अरे मैंने ही तो क्रिएट किया, कोई दूसरा थोड़े डाल के गया, और अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो जो फालतू के विचार हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना सीखिए। तीसरी बात,
आप एक स्वतंत्र आत्मा है जो भगवान के घर से स्वतंत्र आई है। आपका अपना वजूद है जो किसी और से बंधायमान नहीं है। अपनी उस स्वतंत्रता का अनुभव कीजिए। नंबर 4, आप खुद भी एक रस रह सकते हैं और दूसरों को एक रस बना सकते हैं। वो आप में योग्यता है, उसको महसूस कीजिए। और लास्ट में दिखाया, there is difference between body consciousness and soul consciousness. Body consciousness क्या है? जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं ये मानने लगूँ कि मैं कुर्सी, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और मैं ये मानने लग गई हूँ कि मैं शरीर, मैं बूढ़ी हुई तो मुझे लगा मैं बूढ़ी हो गई, शरीर बूढ़ा हुआ, अरे कपड़ा बूढ़ा हुआ है, आत्मा थोड़ी बूढ़ी होती। तो सोल कॉन्शियस माना अपने को आत्मा समझ करके उसके अनुभव में रहना। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, निराकार हूँ, ना कि बॉडी का चिंतन। मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जाति की हूँ, अमुक धर्म की हूँ, ये देह अभिमान। नेक्स्ट, गैदरिंग ऑफ सेल्फ नॉलेज एट द डिस्पेलिंग ऑफ इग्नोरेंस। अपने बारे में अधिक से अधिक जानना, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, और अज्ञान को दूर भगाना। मैं आपके 2-3 मिनट और लूंगी, ये प्रोग्राम थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ था इसलिए मैंने 2-3 मिनट और ले लिए। बाकी कल मॉर्निंग का जो हमारा सेशन होगा वो 7 बजे शुरू होगा। आपको मैं ये बात बता दूं कि शाम का लेसन अलग है और सुबह का लेसन अलग, और दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन। जो बात हम शाम को बताएंगे, जैसे अभी हम सोल कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो सोल कॉन्शियस क्या है ये हम कल सुबह के लेसन में 1.5 घंटे में क्लियर करेंगे। और फिर सोल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस, तो गॉड कॉन्शियस वाली बात हम कल शाम के लेसन में क्लियर करेंगे। तो सुबह शाम आप दोनों समय आएंगे तो आपको शरीर का ज्यादा लाभ है। पाथवे बैक टू इनर पीस शांति का एकमात्र मार्ग है। रिस्टोरेशन ऑफ लव फॉर योरसेल्फ, मेडिटेशन से आप अपने प्रति प्रेम जागृत करते हो अपने में। द एक्ट ऑफ रिएक्टिंग क्वालिटी थॉट्स एंड फीलिंग्स, जैसे बाजार से चीज लाते हो ना तो आप कहते हो भाई मैं तो हमेशा क्वालिटी वाली चीज खरीदता हूँ, लेकिन 100% का सवाल है क्वालिटी के बारे में विचार पैदा करते। तो मेडिटेशन इज द वे टू क्रिएट क्वालिटी थॉट्स। ही डिस्कवरिंग दैट प्लेस ऑफ इटर्नल अनचेंजिंग स्टिलनेस विद इन, शांति भीतर में कहाँ छिपी है उस स्थान की खोज करना। इन सारी बातों का उत्तर हम कल देंगे आपको। Reaching to the highest level of conscious awareness, अर्थात highest level जो conscious level है उस पे पहुंचना, और अत्यधिक व्यस्त लोगों के लिए अत्यधिक इजी तरीके से जीवन व्यतीत करने की विधि। हमारे बीच में हमारे अतिथि महोदय हैं भ्राता संदेश कुमार चौहान जी, जो कि एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं। आपसे अनुरोध करूंगी आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। तो दीदी जी ने आज इतना सुंदर हमें ये व्याख्यान दिया, दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तिलक पुष्पगुच्छ और बैग्स द्वारा राधा जी का स्वागत कर रही हैं। साथ साथ कल से आपको मालूम है आज जो हमने जाना इसको प्रैक्टिकल
मिरेकल अपने जीवन में उतारने हेतु कल से हमारे लिए शिविर रखा हुआ है, जिसका समय तेरी सुबह 6:30 से है। सुबह का समय 6:30 से 8 है और शाम का समय 6 से 7:30 है। तो आप दोनों टाइम जरूर जरूर आए, क्योंकि तनाव के युग में हम जी रहे हैं और सब उससे मुक्त होना चाहते हैं। लगभग 5 साल पहले मैं भैजी के आश्रम में गया था। बहुत ही भव्य आश्रम है, माउंटाबू में है आश्रम। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हमारा डिपार्टमेंट जो है इस संस्था से जुड़ा हुआ है। और हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ वहाँ पे रेगुलर जाते हैं, उनको हमारी मैनेजमेंट जो है वो भेजती है और सारा उनका जो खर्चा है वो बियर करती है। खर्चा छुट्टी, स्पेशल छुट्टी मिलती है। मैं भी गया था वहाँ पे और वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, इतना शुद्ध है। क्योंकि हम लोग तो दिल्ली वाले थे, दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में तो वातावरण के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सबसे पोल्यूटेड सिटी दिल्ली में काउंट होता है। लेकिन वहाँ का जो अरेंजमेंट हमने देखा जाके, मतलब हर चीज़ इतनी सिस्टमेटिक है कि इतनी भीड़ भाड़, इतना रश होने के बाद इतने सारे कोर्सेज चलते हैं, इतने हजारों लोग पता नहीं कितने आते हैं, और कितना बड़ा, मतलब कितने बिल्डिंग्स हैं, मैं हैरान रह कर देख के वहाँ जाके। लेकिन वहाँ पे कोई मेरे को कुछ, मतलब एकदम ऐसे जैसे हर चीज़ बड़ी नेचुरल चल रही है, कुछ आपको फील ही नहीं होगा। अपने आप सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि हर चीज़ अपने आप चल रही है वहाँ पे। मगर इतना अच्छा अरेंजमेंट मैंने शायद कहीं नहीं देखा होगा, जितना अरेंजमेंट वहाँ पे अच्छा है। बहुत ही मतलब डेडिकेटेड जो वहाँ पे बहन काम कर रही हैं, भाई लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ की मैनेजमेंट है या जो वहाँ वॉलेंटियर्स भी हैं, बहुत वॉलेंटियर्स हैं। और अपना जो है जीवन उन लोगों ने वहाँ पे लगा रखा है। उस जो ये संस्था है ब्रह्म कुमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम, उससे वो जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और हम लोगों को मेरे से 3-4 दिन का प्रोग्राम था, 5 साल हो गया। मेरे को भी पूरा डेट भी कुछ इस तरह से ध्यान नहीं है, बट अच्छा था वहाँ पे। और आज जो है हमारे पास में आया कि आप आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आए तो अभी बहन जी का भी हमने जो है सुना और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया और कैसे इसको इसके दूर किया जा सके तनाव को। तो बहुत अच्छा लगा सब चीज़ें देख के यहाँ पे आके। और हम कोशिश करेंगे कि जो बेंजीनिया में हमारे कोई 2 मिनट के लिए कराया था, इसको हम एक्टिविटी को हम जो है एयरपोर्ट पे अपने समस्त एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा दिन निश्चित करेंगे नेक्स्ट मंथ में,
कि उसका जो फायदा है सब लोग भी उठाएं। सभी से अनुरोध है, इतना अच्छा क्लास चला, दो मिनट बैठ भगवान को शुक्रिया तो करें। खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते।